हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन साइनोमेथोग्लोबिन मेथड्स। आइए देखते हैं कैसे होता है इसका रिक्वायरमेंट। हमें ये टेस्ट पूरा करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, आइए देखते हैं। हमें 3 क्यूबेट चाहिए, 1 कैलोरीमीटर चाहिए, हेमोग्लोबिन रिएजेंट चाहिए और इसका होल ब्लड EDTA या कैपिलरी ब्लड भी यूज कर सकते हैं। टाइमर, माइक्रोपिपेट, टिश्यू पेपर। हमें एक 5 ml पिपेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हेमोग्लोबिन रिएजेंट है, इसे फाइव एम एल करके ब्लैंक में ले लिए 5 ml 5 ml। टेस्ट में लेना, ले लिए हैं। अब इसमें हमको पेशेंट का ब्लड ब्लैंक में कुछ नहीं डालना है, बस इसे रहने देना है। टेस्ट में हम पेशेंट का EDTA ब्लड या कैपिलरी ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन EDTA ब्लड ही यूज़ करना है। मेरा 20 μl ब्लड हो गया, होल ब्लड है। अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको 3 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन करना है। कैलोरीमीटर का फिल्टर सेट करते हैं। इसमें हम 520 नैनोमीटर सेट किए हैं, ग्रीन फिल्टर भी सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 3 मिनट पूरा होने वाला है, हो गया पूरा। अब हम इसका रीडिंग लेंगे। बंद कर देते हैं, को अच्छा से साफ़ कर लेना है ताकि फिंगर का कोई दाग ना रह जाए। और ब्लैंक सेट करने पर 0 आएगा, देखिए कैलोरीमीटर में 0 आना चाहिए, 0 आ गया। अब इसको हम टेस्ट का एब्जर्वेंस लेते हैं। इसका भी हमें अच्छा से साफ कर लेना है ताकि कोई फिंगर का। ये मेरा देखिए टेस्ट का एब्जर्वेंस आया है, लगाए हैं 32। अब इसको हम कैलकुलेशन कर, तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है HB% इक्वल टू एब्सॉर्बेंस टेस्ट एब्सॉर्बेंस स्टैंडर्ड इनटू फैक्टर। इसमें टेस्ट में 32 आया और एब्सॉर्बेंस स्टैंडर्ड का एब्सॉर्बेंस रेडी टू यूज आता है, जिसे हम 35 करते हैं और फैक्टर लिटरेचर में दिया हुआ रहता है 15। इसको हम ना कर सकते हैं 5 × 35 = 96 × 96 = 96 7 = 13.7।
ये मेरा HB निकल गया है पेशेंट का, इसको हम अब रिपोर्टिंग कर सकते हैं 13.7 ग्राम पर DL। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को दबा दें।